हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। तो आज लेके आई हूँ जीबी शॉ की लाइफ वर्क के बारे में। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उनके लिटरेरी करियर के बारे में। जीबी शॉ बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर थे 19th सेंचुरी के, और जीबी शॉ इम्पॉर्टेंट है जीएसई लेक्चर एग्ज़ाम, पीजीटी, टीजीटी, एलटी सभी में इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए टाइमली जैसे ही मैं अपलोड करूँ। एन आयरिश प्ले राइट, क्रिटिक, पॉलेमिसिस्ट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। तो जीबी शॉ जो थे वो एक आयरिश प्ले राइट थे, क्रिटिक थे। पॉलेमिसिस्ट मीन्स होता है फ्रेंड्स नीति शास्त्री। पॉलेमिसिस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है नीति शास्त्री, एंड इन इंग्लिश अ पर्सन हु इंगेज इन कॉन्ट्रोवर्शियल डिबेट। नीति शास्त्री वही होता है जो कॉन्ट्रोवर्शियल डिबेट में इंगेज होता है, लॉजिक दे सके। तो एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे जीबी शॉ। और फ्रेंड्स इन्होंने प्रॉब्लम प्लेस पर काम किया, जो कि इप्शन से इंस्पायर थे, हेनरिक इप्शन से, और उन्हीं के कॉन्सेप्ट को इन्होंने आगे बढ़ाया प्रॉब्लम प्लेस के आइडियाज़ को। तो चलिए आगे इसको पढ़ते हैं। इनके जो फादर थे, मैंने बहुत ही शॉर्ट में सब चीज़ें लिखी, और बहुत कम समय में हम ज़्यादा कुछ जीबी शॉ के बारे में कवर करेंगे। आप खुद पाएंगे कि आप बहुत ही 10 to 15 मिनट्स की वीडियो में कितना सारा आपको नॉलेज जीबी शॉ के बारे में मिला है। और इसी तरीके से मैंने और भी राइटर्स को फ्रेंड्स अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा और आप उनको सर्च कर सकते हैं, ज़रूर विजिट करिएगा उसको। इनके फादर जो थे, जो वो जॉर्ज कॉर्शॉ थे, जॉर्ज कॉर्शॉ फादर थे। मदर जो थी लुसिंडा गर्ली शॉ, लुसिंडा गर्ली शॉ इनकी मदर का नेम था, और फादर जो थे वो जॉर्ज कॉर्शॉ थे। अब बात आती है जन्म उनका कब हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस समय एग्जाम से बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं बर्थ डेट और डेथ की डेट। तो ये चीज़ें बिल्कुल लर्न कर लेनी है कि जीबी शॉ का जो भी इंपॉर्टेंट राइटर हैं उनके बर्थ और डेट, जैसे कि जेएससी लेक्चर का प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीजीटी में जो भी राइटर्स दिए हैं, तो एटलीस्ट जितने राइटर्स के नेम दे रखे हैं उतने राइटर्स का बर्थ एंड डेथ तो एकदम एग्जैक्टली माइंड में सेट कर लेना है। तो इनका बर्थ हुआ था 26th of July 1856 में, एंड कहाँ पर हुआ था, पोर्टो बेलो डब्लिन आयरलैंड में, क्योंकि आयरिश प्ले राइट थे स्टार्टिंग में हमने देखा, तो इनका जन्म आयरलैंड में हुआ था इसलिए आयरिश प्ले राइट थे, और बाद में ये यूके आ गए थे। तो जन्म जो इनका हुआ था 26th July 1856 में, और डेथ हुई थी 2nd November 1950 में, और बर्थ हुआ था पोर्ट बेलो डब्लिन आयरलैंड में, डेथ हुई थी अयोट सेंट लॉरेंस यूके में। रेस्टिंग प्लेस जो है इनका वो सॉस कॉर्नर अयोट सेंट लॉरेंस यूके है। ही हैड डुअल नेशनैलिटी, इनके पास डुअल नेशनैलिटी है, ब्रिटिश की भी और आयरिश की भी। आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था इसलिए वहाँ की तो इनको नेशनलिटी बाय बर्थ मिल गई, लेकिन बाद में ये लंदन आ गए थे काम के सिलसिले में, तो वहाँ की भी इनको ब्रिटिश की भी नेशनलिटी मिल गई। इसलिए ये एक ऐसे राइटर हैं जिनके पास डुअल नेशनलिटी है। ये चीज़ याद रखनी है कि क्वेश्चन आ जाता है डुअल नेशनलिटी वाले राइटर कौन सा, इनको चूज़ करिए, ऑप्शन दे दिए गए चार, तो आपको माइंड में सेट हो कि जीबी शॉ जो है उनके पास डुअल नेशनलिटी थी, और ब्रिटिश नेशनलिटी जो थी उन्होंने 1856 से लेके 1950 तक रही, और जो आयरिश थी, आयरिश नेशनलिटी उनके पास वो तो बाई बर्थ थी 1934 से लेके 1950 तक। सॉरी फ्रेंड्स, ये जो है ये उल्टा हो गया है, जो ब्रिटिश नेशनलिटी थी वो 1934 से 1950 तक थी, और आयरिश नेशनलिटी 1856 से 1950 तक थी, क्योंकि वो उन्हें बाई बर्थ ही मिल गई थी। और इनके जो स्पाउस थे, इसको ज़रूर आप ध्यान से करेक्ट कर लीजिएगा, ये जो टाइम पीरियड दे रखा है वो उल्टा हो गया है, जो ब्रिटिश वाला है वो ब्रिटिश के सामने को वो एक्चुअली आयरिश है, और आयरिश के सामने वाला ब्रिटिश है। तो जो स्पाउस थी इनके वो थे चार्लोटी पाइने टाउनशेंड, एंड मैरिड इन 1898, उन्होंने उनसे शादी की थी 1898 में, और डाइड इन 1943, उनकी डेथ 1943 में हुई थी। शॉ वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज इन लिटरेचर 1925। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जा चुका है। नोबल प्राइज कब मिला था जीबी शॉ को लिटरेचर के लिए, तो 1925 में मिला था।
मूव्ड टू लंदन इन 1876 एट द एज ऑफ 20। जैसा कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि ये लंदन आ गए थे 1876 में, और उस समय मात्र ये 20 साल के थे और काम के सिलसिले में लंदन आ गए थे। और ये स्टार्टिंग से ही राइटर बनना चाहते थे फ्रेंड्स। इनका राइटिंग करने करियर में राइटिंग में ही अपना करियर बनाना चाहते थे, एक लेखक बनना चाहते थे। और इवन इनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, जो फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड था बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए इनको बहुत जल्दी ही क्लर्क की जॉब भी करनी पड़ी थी। तो अभी हम उसको आगे पढ़ते हैं। और बहुत कम एज में ही क्लर्क की जॉब इनको करनी पड़ गई थी, 16 साल की एज में ही। लेकिन इसके बाद इन्होंने जब लंदन मूव किया और 1876 में और राइटिंग में अपना करियर स्टार्ट किया। On November 1871, Shaw became a junior clerk in the office of a firm of estate agent in Dublin. Dublin में ही इन्होंने 1871 की बात है और 1856 में इनका बर्थ हुआ था, तो उस समय जिनके 16 ईयर की थी, और इन्होंने एक जॉब अपनी पढ़ाई को छोड़ करके एक जूनियर क्लर्क के रूप में एक ऑफिस में काम करना स्टार्ट कर दिया था पैसे के लिए। He had privately started scribbling stories and other pieces before ही वॉज 10। उनके अंदर इतना बड़ा हुनर था राइटिंग का कि उन्होंने जब वो 10 ईयर्स के थे तभी उन्होंने स्क्रिबलिंग स्टोरीज लिखना स्टार्ट कर दिया था। हिज फर्स्ट नॉवल इमेच्योरिटी वॉज कम्प्लीटेड इन 1879। सबसे पहले जी बी शॉ ने, हम जानते हैं जी बी शॉ इज फेमस फॉर प्रॉब्लम प्लेस, उन्होंने ड्रामाज लिखे हैं, लेकिन सबसे पहले इन्होंने अपना करियर नॉवल में स्टार्ट किया। तो उनका जो फर्स्ट नॉवल था वो इमेच्योरिटी है, इसका नाम याद रखना है। और 1879 में ये नॉवल कंप्लीट हुआ था। जी बी शॉ ने सबसे पहले नॉवल लिखा था, ड्रामा तो इन्होंने बाद में लिखा था। जब इन्होंने पाया कि नहीं, नॉवल में मैं नहीं अच्छा कर पा रहा हूँ, नहीं मतलब अपने आप को इस्टेब्लिश कर पा रहा हूँ, तो इन्होंने ड्रामा के क्षेत्र में अपना हाथ आजमाया। और वी नो जी बी शॉ बिकेम फेमस, उनके प्रॉब्लम प्लेज इतने ज़्यादा लाइक किए गए हो कि वो प्रॉब्लम प्लेज के लिए फेमस हैं। हिज फर्स्ट नॉवल जो था उनका इमेच्योरिटी था, 1879 में कम्प्लीट हुआ। दिस वॉज फॉलोड बाय 4 अदर्स। इसके बाद इनके 4 और फिक्शंस आए, बुक आई। द इरेशनल नॉट, एक्चुअली ये पब्लिशिंग डेट नहीं है, ये रिटर्न डेट है किस सन में लिखे गए। तो लाइन से इसीलिए मैंने इसको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में लिखा हुआ है ताकि माइंड में आपके सेट रहे। 1879 में इनका इमेच्योरिटी आया, इसके बाद 4 नॉवल और आए, 4 फिक्शन जो इनके। द इरेशनल नॉट आया 1880 में, और नेक्स्ट मतलब सब वन ईयर के बाद में इन्होंने कम्प्लीट किया है, आया नहीं, एक्चुअली ये रिटर्न डेट है। लव एमंग द आर्टिस्ट 1881 में, कैशल बैरन्स प्रोफेशन 1882 में, एंड अनसोशल सोशलिस्ट 1883 में। तो इस तरीके से सीक्वेंस में सब वन बाय वन हम एक एक डेट याद रखें। 1879 में इमेच्योरिटी इनका फर्स्ट नॉवल आया, उसके बाद ये चारों लाइन से हैं 1883 तक ये सारे नॉवल्स आए। अब हुआ क्या, ये इन्होंने रिटर्न डेट है इनकी सारी, इस ईयर में इन्होंने कंप्लीट किए थे। 1880 में नेशनल नॉट इनका नॉवल कंप्लीट हुआ, लव एमंग द आर्टिस्ट कंप्लीट हुआ, फिर कैशल बैरन्स प्रोफेशन कंप्लीट हुआ, फिर अनसोशल सोशलिस्ट कंप्लीट हुआ। ऑल वर रिजेक्टेड बाय द पब्लिशर्स, और ये सभी बुक्स इनकी, ये पाँचों बुक्स क्या कर दी गई थी, पब्लिशर के द्वारा रिजेक्ट कर दी गई थी। अब क्या था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। एंड ही रेड कॉल मार्क्स द कैपिटल इन अ फ्रेंच एडिशन। उन्होंने इसी दौरान कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल भी पढ़ा जो कि फ्रेंच एडिशन में था। द रीडिंग ऑफ मार्क्स कन्वर्टेड शाह इनटू अ सोशलिस्ट। और कार्ल मार्क्स का ये बुक पढ़ने के बाद दास कैपिटल, उनके अंदर सोशलिज्म की भावना आ गई, वो एक सोशलिस्ट बन गए। इस तरीके से फ्रेंड्स अभी उनका बहुत लंबा करियर ड्रामा के क्षेत्र में बाकी था। And Shaw then had a very long career as a dramatist. Began this illustrious career with drama Widower's House in 1892. और अब ड्रामा का जो उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया वो अपने ड्रामा Widower's House से शुरू किया जो कि 1892 में आया। तो फर्स्ट जो नॉवल था जी बी शॉ का इमेच्योरिटी था, एंड जो फर्स्ट ड्रामा आया वो विडोवर्स हाउस था, 1892 में आया फर्स्ट ड्रामा विडोवर्स हाउस 1892।
ये एक इससे उनका ड्रामेटिक करियर स्टार्ट हुआ। फ्रेंड्स डेफिनेटली आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा, प्लीज़ गिव द थंब ऑफ लाइक, लाइक जरूर करते चलें, और साथ ही इफ़ यू हैव एनी सजेशंस फॉर मी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोस, हेल्पफुल प्रूव हो रहे हैं या कुछ आप और चाहते हैं, तो वो चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं, मैं उस पर वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराऊंगी। नेक्स्ट था द फिलैंडर्ड, फिर आया इसके बाद मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन, और ये दोनों ही 1893 में आए। 1892 में विडोवर्स हाउस आया, उसके हाउसेज आया 1892 में, उस पर द फिलैंडर्ड 1893 में एंड मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन 1893 में, दोनों ड्रामा 1893 में। इसके बाद जो कि ज़्यादातर लोगों ने पढ़ा भी हुआ होगा अपने ग्रेजुएशन में, आर्म्स एंड द मैन 1894, हिज फर्स्ट वेरी सक्सेसफुल प्ले, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्ले उनका आर्म्स एंड द मैन रहा था 1894 में आया, जिसने उनको बहुत बड़ी सक्सेस दिलाई ड्रामेटिस्ट के रूप में। इसके बाद 1894 में ही कैंडिड आया, बहुत इजी है याद रखना है इनका, क्योंकि देखिए फिडोवर्स हाउस 1892 में, फिर मिस द फिलैंडर एंड मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन 1893 में, आर्म्स एंड द मैन 1894 में, इसकी डेट तो ज़रूर याद रखनी है 1894 आर्म्स एंड द मैन, और इसी ईयर में कैंडिडा भी आया था। रोड द सैनिटी ऑफ आर्ट, द मैन ऑफ डेस्टिनी यू नेवर कैन टेल, ये कुछ और उनके ड्रामा थे, द सैनिटी ऑफ आर्ट, द मैन ऑफ डेस्टिनी एंड यू नेवर कैन टेल 1895 में आए ये तीनों ड्रामा। देखिए कितना जीवी शॉ टैलेंटेड थे, एक साल में ही तीन तीन ड्रामा लिख देते थे, वंडर। नेक्स्ट है, देयर आफ्टर ही रोट वन आर मोर प्लेस पार्ट, इस तरीके से वो एक साल में एक से ज़्यादा कई कई प्लेज लिखते रहे, उनके कई कई प्लेज आते रहे। दस ही रोट द डेविल्स डिसिपल इन 1896, द डेविल्स डिसिपल भी उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रामा है और फेमस ड्रामा रहा था। उसके बाद है सीजर एंड क्लियोपैट्रा 1898 में, 1896 में द डेविल्स डिसिपल आया, फिर उसके बाद 1898 में सीजर एंड क्लियोपैट्रा आया। मैन एंड सुपरमैन, इसको हम भूल ही नहीं सकते हैं, मैन एंड सुपरमैन, इन दिस प्ले वी सी द लाइफ फोर्स इन एक्शन। मैन एंड सुपरमैन जो प्ले था, ड्रामा था इनका, 1903 में आया, और इसमें लाइफ फोर्स इन एक्शन हमें देखने को मिलता है। मेजर बारबरा 1905 में आया, द डॉक्टर्स डिलीमा इन 1906। आप वीडियो को पॉज करके और जूम करके देख सकते हैं, रोक करके आपको कोई चीज़ अगर डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है पिग्मेलियन, पिग्मेलियन जो है ये बहुत ही खूबसूरत प्ले था, बहुत ही अच्छा प्ले था, इस पर मूवी भी बनी थी और इसमें खुद जीबी शॉ ने काम भी किया था। ये 1912 में आया था एंड एंड्रुकल्स एंड द लॉयन 1912 में आया, इसके बाद सेंट जुआन 1923 में। ये सभी मैंने इम्पोर्टेंट प्लेस के को ही पॉइंट आउट यहाँ पर किया, सभी को लगभग मैंने कवर किया है, तो आप उनको क्रोनोलॉजिकली याद कर सकते हैं, और एटलीस्ट क्योंकि जो इस समय के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसमें पूछा जाता है कौन सा वर्क किसका नहीं है, जिस तरह से अभी TGT का भी पेपर आया, तो चार वर्क दे दिए गए, ऊपर लिखा जी बी शॉ का वर्क कौन सा नहीं है, कौन सा उनके द्वारा लिखा गया प्ले नहीं मैच करिए या अनमैच, तो कौन सा अनमैच, तो इस तरीके से अगर आपको सारे वर्क याद होंगे एटलीस्ट जो राइटर्स सिलेबस में है, चाहे PGT का हो राइटर या GIC लेक्चरर में किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप अगर आपके जो सिलेबस में राइटर्स दिए उनके वर्क्स एटलीस्ट माइंड में सेट रहेंगे, हाँ पिग्मेलियन जी बी शॉ का, एंड्रुकल्स एंड द लॉयन जी बी शॉ का, सेंट जुआन जी बी शॉ का, द एप्पल कार्ड जी बी शॉ का, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने पाएंगे। तो एप्पल कार्ड जो है 1929 में आया, सेंट जुआन 1923 में। मेजर बारबरा, पिग्मेलियन एंड द एप्पल कार्ड हैव बीन फिल्म्ड, इन पर मूवी भी बनी इन तीनों पर, मेजर बारबरा, पिग्मेलियन एंड द एप्पल कार्ड, मैंने स्टार्टिंग में बताया पिग्मेलियन में तो जीबी शॉ ने खुद काम भी किया है, तो इन तीनों पर मूवी, ये तीनों मूवी भी बनी। व्हाई नॉट इन 1950, ये इनका 1950 में प्ले आया था वाई शी वुड नॉट, और 1950 इज़ द ईयर इन व्हेन ही वाज डाइड, और 1950 में ही उनकी डेथ भी हुई थी जीबी शॉ की।
अ फ्यू कलेक्शन ऑफ सॉस फ्लेवर पब्लिश्ड एज फॉलोज। अब हम बात कर लेते हैं इनके पब्लिकेशंस की, किस तरीके से ये पब्लिश्ड हुए थे। एक्चुअली शॉ के जो प्लेस थे उनको कैटेगराइज किया गया, प्लॉज प्लेज अनप्लीसेंट प्लेज प्लीसेंट मतलब प्लीसेंट प्लेज अनप्लीसेंट प्लेज प्यूरिटन प्लेज, इस तरीके से उनको डिवाइड किया गया था। तो जो कुछ उनके कलेक्शंस थे, फ्यू कलेक्शंस ऑफ सॉस प्लेज वर पब्लिश्ड एज फॉलोज। तो इस तरीके से शॉ के प्लेज पब्लिश हुए थे। तो उसमें सबसे पहले प्लेज अनप्लीसेंट, तो अनप्लीसेंट प्लेज की कैटेगरीज में कैटेगरी में कौन कौन से उनके प्लेज आते हैं और पब्लिश कैसे हुए थे। तो द विडोवर्स हाउस, जबकि हम जानते हैं विडोवर्स हाउसेस कब लिखा गया था, 1892 में। हमने इधर पढ़ा है कि इन्होंने इसी के साथ विडोवर्स हाउस के साथ अपना ड्रामेटिक करियर स्टार्ट किया था और ये इन्होंने 1892 में लिखा था। इसके बाद वॉरेंस प्रोफेशन फिलैंडर 1893 में, लेकिन जब ये पब्लिश हुआ तो ये 1898 में पब्लिश हुआ था, आफ्टर सिक्स ईयर्स आफ्टर राइटिंग, तो लिखने के 6 साल बाद। और अनप्लीसेंट प्लेस जो थे उनका कलेक्शन था, मतलब इस तरीके से कैटेगराइज करके इनको पब्लिश किया गया था। तो अनप्लीसेंट प्लेस में विडोवर्स हाउस, मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन, द फिलैंडर, ये इस तरीके से ये तीनों प्लेस जो हैं एक साथ पब्लिश किए गए थे 1898 में। इवन लिखे ये गए थे फिलैंडर्ड और मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन जो है 1893 में आया और विडोवर्स हाउस 1892 में, लेकिन ये जब पब्लिश हुए तो 1898 में एक साथ पब्लिश हुए थे। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है फ्रेंड्स कि दिया जा सकता है चार ऑप्शन में कौन से प्लेस जो है जो साथ में नहीं पब्लिश हुआ था, अनप्लीसेंट प्लेस की कैटेगरी में नहीं आता है। अब इसके बाद बात होती है प्लीसेंट प्लेस की, प्लेस प्लीसेंट। तो प्लीसेंट प्लेस की कैटेगरी में शॉ के चार प्लेस आते हैं और वो फोर प्लेस कौन से हैं, आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा, द मैन ऑफ डेस्टिनी, यू नेवर कैन टेल। ये चारों प्लेस एक साथ पब्लिश हुए थे ये, और पब्लिशिंग डेट 1898 थी, इसलिए याद करना बहुत ही ईजी है। अनप्लीसेंट प्लेस भी 1898 में पब्लिश हुए थे, प्लीसेंट प्लेस भी 1898 में पब्लिश हुए थे, और प्लीसेंट प्लेस की कैटेगरी में आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा, द मैन ऑफ डेस्टिनी, यू नेवर कैन टेल। जबकि लिखा कब गया था आर्म्स एंड द मैन, 1894 में, और कैंडिडा भी 1894 में लिखा गया था, और यू नेवर कैन टेल 1895 में लिखा गया था, एंड द मैन ऑफ डेस्टिनी भी 1895 में लिखा गया था। तो इस तरीके से ये पब्लिश हुए थे प्लेस। अब बात आती है प्यूरिटन प्लेस की, तो प्यूरिटन प्लेस की कैटेगरी में कौन से प्लेस आते हैं। तो प्लेस फॉर प्यूरिटन्स जो थे वो उसमें तीन प्लेस आते हैं इस कैटेगरी में, द डेविल्स डिसिपल, सीजर एंड क्लियोपेट्रा, कैप्टन ब्रास पाउंड्स, कॉन्वर्सेशन। तो ये पब्लिश हुए थे 1901 में, ये तीनों प्लेस जो पब्लिश हुए थे प्लेस फॉर प्यूरिटन्स जो थे वो 1901 में पब्लिश हुए थे। तो इस तरीके से हमने जी बी शॉ के इम्पॉर्टेंट प्लेस के बारे में बात कर ली है, और कि कौन कौन से उनके वर्क थे और इम्पोर्टेंट प्लेस क्या थे। आप जी बी शॉ को यहाँ पर कम्प्लीटली हमने कवर किया है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके इम्पोर्टेंट वर्क और उनकी लाइफ को लेकर के। शॉ हैज़ बीन कॉल्ड द थिएटर ऑफ द फादर ऑफ द थिएटर ऑफ आइडियाज़ इन इंग्लैंड, फादर ऑफ द थिएटर ऑफ आइडियाज़ इन इंग्लैंड के रूप में जाने जाते हैं जी बी शॉ। एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है याद रखने के लिए, द फादर ऑफ द थिएटर ऑफ आइडियाज़, थिएटर ऑफ आइडियाज़ के फादर के रूप में किसको जाना जाता है, जी बी शॉ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, और देखिए हमने 18 मिनट्स में कितना जी बी शॉ के बारे में कम्प्लीटली लगभग पढ़ लिया है। तो आप इसको याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और बट एक और रिक्वेस्ट फ्रेंड्स आपसे है मेरी, प्लीज़ उसको ध्यान दीजिएगा कि एक और चैनल मेरी सिस्टर का है, प्लीज़ उसको भी सपोर्ट करेगा। एंड शी टीच बायोलॉजी, और उसका चैनल जो है वो लर्न बायोलॉजी है। अगर आपके भी सिस्टर ब्रदर या रिलेशन में फ्रेंड्स वगैरह कोई भी हैं जो TGT LT सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बायोलॉजी सब्जेक्ट है उनका, उसको लेकर के कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा। मैं उसका लिंक अभी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या लास्ट में, आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो लर्न बायोलॉजी चैनल है और उसको ज़रूर सपोर्ट करिएगा, और आपसे बहुत उम्मीद है कि आप डेफिनेटली अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ जाएंगे, विजिट करेंगे, और बहुत ही अच्छा से वो पढ़ा रही हैं। आप एक बार जाके देखेंगे तो डेफिनेटली यू विल फाउंड सम बेटर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट यू अगेन विथ
नेक्स्ट न्यू राइटर, कुछ दूसरे नए राइटर के साथ मिलूंगी अगले वीडियो में। और तब तक चैनल को अगर नहीं लाइक, वीडियो को नहीं लाइक किए तो लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।